लास्ट क्लास किसी को भी कोई डाउट नहीं है, हमने जो भी चीजें पास्टर्स में पढ़ी थी एग्जाम्पल्स हमने सब किए थे, तो अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग फ्यूचर टेंस, ठीक है। आज हम लोग फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे। लेट मी शेयर दिस विद यू। ओके, एज यू कैन सी द स्क्रीन, ये आपका फ्यूचर टेंस का फॉर्मेट है सारा, ठीक है। जो भी आपका फ्यूचर टेंस के फॉर्मेट्स है वो इस तरह के होंगे। किस तरह के होंगे? पॉजिटिव फॉर्मेट, यानी कि अगर आपका स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो अफर्मेटिव है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो आपका क्या रहेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन। वन मोर थिंग, यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर बताए गए हैं इस फॉर्मेट में जो मैं स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ, इसमें सारा विल से लेकर बनाया गया है, सारे सेंटेंसेस में विल यूज हुआ है। बट अगर आपको सेंटेंसेस में विल के अलावा अगर कहीं शैल दिखे तो वो भी सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में करेक्ट है। यानी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेगा आप सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी टेंस का, हाँ शैल भी रहेगा, विल रहेगा या फिर शैल रहेगा, दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर दिस। इफ इफ योर, हाँ लोग म्यूट कर लो। नहीं, इफ योर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है, मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल फ्यूचर का, हमने क्या देखा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस योर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर के साथ आप जो सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के साथ आप जो सेंटेंसेस बना रहे हैं उसमें अगर आप विल की जगह शैल लगाएंगे, ठीक है, विल की जगह अगर आप शैल लगा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर भी आपका सही है। ओके, वो स्ट्रक्चर भी सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल लगा रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर भी आपका सही है। अंडरस्टूड? तो जितने भी स्ट्रक्चर आपके हैं फ्यूचर से रिलेटेड, शैल सब में लगेगा, यहाँ पर जितने मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ ये सारे आपको विल में एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर में सारा विल लिखा हुआ है, बट शैल भी आप लगा सकते हैं। शैल इज नॉट बेसिकली मोर यूज इन आर डेली कन्वर्सेशन, इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि आप जब डेली कन्वर्सेशन करते हैं, डे टू डे कन्वर्सेशन करते हैं, तो बेसिकली इट इज इनफॉर्मल, और शैल जो वर्ड होता है वो बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद सम सीनियर फैकल्टी और सम समवन इन द अथॉरिटी पोजीशन, ठीक है, आप जब काम कर रहे हैं आपके साथ काम करने वाले लोग जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, उनसे आप जब भी स्पेशली रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप शैल का यूज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस में, या फिर आप फॉर्मली कोई टेक्स्ट भेज रहे हैं उनको, तो उस केस में आप शाल का यूज ही करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इट इज फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या समवन हु इज फ्रेंडली टॉकिंग टू यू इवन दो दे आर इन अथॉरिटेटिव पोजिशन, इन दैट केस आपको उस केस में विल का ही यूज करना है, ठीक है। शाल इज नॉट फिजिकली यूज इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर था, लेट मी शेयर द स्ट्रक्चर्स, उस केस में फिर हम लोग पढ़ते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर में विल की जगह शैल लग सकता है। तो लेट मी शेयर दिस विद यू जो हम लोग पढ़ रहे थे। सिंपल फ्यूचर का हमारा स्ट्रक्चर है ये, सिंपल फ्यूचर का ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सिंपल फ्यूचर में पॉजिटिव अगर सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वो आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी आपका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट रहे, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सभी के लिए आप विल ही यूज करेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस अगर है आपका, यानी कि नेगेशन में अगर कोई सेंटेंस है, तो उस केस में आप विल नॉट लगा देंगे या फिर वोंट लगा देंगे। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, विल नॉट इज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में विल नॉट ही लगता था, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग मोर ऑफ द शॉर्ट हैंड प्रोसीजर। आप शॉर्ट हैंड प्रोसीजर आजकल ज्यादा कम्युनिकेशन में रिटन, स्पेशली रिटन और योर वर्बल कम्युनिकेशन जो भी है नाउ डेज, वोंट इज लाइक जैसे ही हैजंट हो गया, इजंट हो गया, ये ज्यादा यूज होता है। उसी केस में विल जगह, यस विल नॉट की जगह वोंट ज्यादा यूज होता है। ओके, सो सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा उसके साथ विल नॉट या फिर वोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल नॉट कम बैक और आई वोंट कम बैक, दिस इज योर एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो एज यू हैव सीन इन द पास्ट, सॉरी My voice is not clear. My voice is not clear. अच्छा, one minute. अभी क्लियर आ रहा है बच्चे? Yes, ma'am. Now okay. Okay, yes. As I was telling कि अगर आप interrogative question पूछ रहे हैं, कोई भी question आप ये interrogative sentence है आपका, question पूछ रहे हैं, तो इस केस में जैसे कि हमने पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में देखा था, जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, सिर्फ जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं, जैसे पास्ट टेंस में आपका वाज था या वर्ड था वो पहले आ जाता था, तो उसी तरह आपका जो विल है जो कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको आप लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पहले कर देंगे। इफ यू आर यूजिंग अ क्वेश्चन फॉर इंटरोगेटिव फॉर्मेट, आप ऑक्सिलरी यानी कि विल पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद योर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो योर स्ट्रक्चर और योर एग्जांपल वुड बी, अगर आपका ये सेंटेंस है यू विल कम बैक, तो इट विल बी चेंज्ड इनटू विल यू कम बैक। ठीक है, विल जो है आपका वो पहले आ जाता है, तो विल यू कम बैक इज योर क्वेश्चन फॉर्म। अब मुझे कोई इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बता सकता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव का, यानी कि क्वेश्चन भी रहना चाहिए और नेगेटिव भी रहना चाहिए, दोनों चीज आप फॉर्मेट में कैसे डालेंगे? व्हाट वुड बी द फॉर्मेट? प्लस नोट प्लस बी वन, सॉरी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वन। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटरोगेटिव और मैम नेगेटिव भी, हाँ नेगेटिव भी होगा और क्वेश्चन भी होगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इफ योर सेंटेंस इज दिस and you're using negative and interrogative, so will you not come back, ठीक है? या फिर अगर आपको shorthand use करना है, ठीक है, तो informal communication के लिए basically you are using shorthand writing, तो आप won't you come back, दोनों साथ में, will not को साथ में लगा, won't you come back, लेकिन will not you come back नहीं होगा। अगर आप will not दोनों ही use कर रहे हैं अलग अलग, तो आप विल यू नॉट यानी कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा। अगर आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, विल नॉट दोनों वोंट लिख रहे हैं, तब आप वोंट यू कम बैक लिखेंगे। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो मैम। ओके, लेट मी जस्ट शेयर यू अनदर फॉर्मेट, ठीक है, इसको हम लोग तुरंत तुरंत खत्म कर लेंगे, देन वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यस योर स्ट्रक्चर इज अगेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपका है, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब आई एन जी, वर्ब का जो आई एन जी फॉर्म होता है, जिससे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब का आई एन जी फॉर्म आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है, विल बी के साथ, विल और बी के साथ आपको यूज करना है ये स्ट्रक्चर। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी भी स्टेट में सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हर केस में आपका विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आई विल बी कमिंग इज योर एग्जाम्पल। नेगेटिव फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस आई एन जी,
इस फॉर्मेट विल में, नॉट बी यस इस फॉर्मेट में भी आपको अगर विल नॉट कंबाइन करके स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट हैंड करना है तो आप सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस बी प्लस वी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं. अगेन योर एग्जांपल विल बी व्हाट, आई विल नॉट बी कमिंग और आई वोंट बी कमिंग. दोनों ही स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट हैं. देयर इज नो एरर इन दैट. नेक्स्ट, अगर आपको इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस बनाना है तो आपको अगेन यहाँ पर क्या करना है, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले ले आना है. तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म. तो विल यू बी कमिंग विल बी योर एग्जांपल फॉर द इंटरोगेटिव फॉर्मेट. नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या फॉर्मेट रहेगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव Yes, yes. Please move on. मैम सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा. सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा. Yes, मैम. Then according to your structure, यहाँ पर हो जाएगा will plus subject plus not plus be plus verb का ing form. यानी कि ये जो example में question है ये हो जाएगा will you not be coming? ठीक है. अगर if you are using the shorthand format, that will be what? Won't you be coming? ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है. Won't जहां लगेगा वो आपका पहले ही लगेगा. ठीक है, अगर will not यूज कर रहे हैं तो will not के बीच में सब्जेक्ट आएगा आपका interrogative negative में. ओके, तो will you not be coming? ठीक है, any doubt regarding this? इसमें कोई डाउट? ओके, then moving on, आपका नेक्स्ट क्या है? What will be your next tense? Yes, future perfect. Future perfect में आपका जो structure है, that will be your, if your sentence is affirmative or positive, then subject plus will plus have plus verb का third form. Remember this, perfect tense आपका किसी में भी रहे, ठीक है? Whether is present, whether is past, whether it is future. किसी भी tense में आपका अगर perfect tense लग रहा है, तो perfect में हमेशा verb का third form ही लगता है. Okay. तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी है, ठीक है, वट एवर स्टेट इज योर सब्जेक्ट, आप उसके साथ विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब लगाएंगे. तो आई विल हैव फिनिश्ड, दिस इज योर एग्जांपल. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन कैन यू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस सिचुएशन में यूज करते हैं? मैम जैसे मैं ये काम फ्यूचर में कर चुका होऊंगा. Yes, when you are predicting, आप predict कर रहे हैं या फिर आप उसको बोल रहे हैं कि your commitment, आप अगर commitment कर रहे हैं या आप predict कर रहे हैं कि इतने time duration में आपने मुझे जो काम दिया है मैं इतने time duration में complete करके दे दूंगा. Understood? That means you are predicting or you are committing to that situation. आप जो भी आपको project मिला है, जो भी job मिला है, उसको आप एक particular time period में करके दे देंगे. ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे. ओके, सो इन नेगेटिव फॉर्म अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेशन में है तो उस केस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा. अगेन यहाँ पर आप विल नॉट की जगह वोंट यूज कर सकते हैं. देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट. सो योर एग्जाम्पल फॉर दिस स्ट्रक्चर विल बी आई विल नॉट हैव फिनिश्ड और आई वोंट हैव फिनिश्ड. ओके, क्वेश्चन फॉर्मेट यानी कि अगर इंटरोगेटिव फॉर्मेट में आपका स्ट्रक्चर रहेगा तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो पहले आ जाएगा. ओके, तो विल प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, विल यू हैव फिनिश्ड, दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन. विल यू नॉट हैव फिनिश्ड? विल यू नॉट हैव फिनिश्ड? Are you sure about that? Mm, have not hoga. Have not hoga. Yes, have not hoga. आपका जो not लगेगा question format में वो have के बाद लगेगा. बाद लगेगा क्योंकि बाकी structures में interrogative और negative का बताया. दोनों साथ में interrogative negative दोनों जब साथ में रहेगा यानी कि question भी बन रहा है और नेगेटिव भी है आपका सेंटेंस. वो जो क्वेश्चन बन रहा है वो नेगेटिव सेंस में बन रहा है, नेगेशन में बन रहा है,
इन दैट केस ओनली इन दिस केस फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला जो केस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला जो केस है वहां पर आपका विल यू हैव के बाद नॉट लगेगा विल यू हैव नॉट फिनिश्ड ठीक है एनी डाउट नहीं लगेगा मैम हाँ नॉट बी नहीं बीन आपका कंटिन्यूस में लगेगा परफेक्ट में सिर्फ हैव लगेगा ठीक है परफेक्ट है तो जैसे परफेक्ट पास्ट में हैड लगता होगा यहाँ पर हैव लगेगा ठीक है विल यू हैव फिनिश्ड एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नो मैम चलिए देन मूविंग ऑन लास्ट आपका बचा है पर्स ऑफ व्हिच वन इज लेफ्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर पर यस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपका बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हैव बीन लग जाएगा ठीक है हैव प्लस हैव बीन जो एडिशन था में तो हैव बीन एडिशन हो जाएगा यहाँ पर भी विल नॉट प्लस हैव बीन लगेगा स्ट्रक्चर वही रहेगा सिमिलर आपका जैसे था वैसे ही फॉर्मेट में have been लगेगा बस I have I will have been going I will not have been going or I won't have been going अब मुझे ये बताइए perfect continuous tense कब use करेंगे future में future perfect continuous tense आप किस situation में use करेंगे मैम time period given होता है yes when your time period have been given and you are making a commitment or prediction ठीक है आपके पास एक given time period है कि आपको इतने time तक ये complete कर देना है तो when you are committing when you are predicting कि इतने time period में मैं कर दूंगा ये काम तो उस situation में आपका time period है क्योंकि वो खत्म हो रहा है ना आपको पता है कि इस time period में वो खत्म हो जाएगा ठीक है तो in that duration वो जिस duration future में काम करेंगे उस duration में वो काउंट होता है ये तो आई हैव बीन गोइंग यानी कि उस ड्यूरेशन में वो जो सिचुएशन है उसमें आप कोई भी किस लगा लीजिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा ठीक है आई विल नॉट हैव बीन गोइंग किसी भी सिचुएशन में मैं जो भी आप कंडीशन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं उस सिचुएशन में वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता है या हो सकता है नेगेटिव में नहीं हो सकता अफर्मेटिव में उसी सिचुएशन में आप ये काम कर पाएंगे ओके If you are asking a question or your sentence format is interrogative, again आपका auxiliary verb आगे आ जाएगा तो will plus subject plus having plus verb का ing form. Okay, तो will you have been going? अगर आपको question और negation दोनों में लगाना है यानी कि interrogative negative structure में आपका क्या रहेगा interrogative negative structure में क्या रहेगा ठीक है या नॉट मतलब जो हैव है उसके बाद मैंने बोला था लगेगा आपका ठीक है तो यहाँ पर बीन ऐड हो गया है ठीक है कंटिन्यूअस में आपका बीन ऐड हो गया है तो जब बीन ऐड हुआ है तो वो नॉट के जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेट होगा तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ओके तो इसके स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नो मैम चलिए देन लेट्स हैव सम क्वेश्चंस हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा ओप्स यस दीज आर योर क्वेश्चंस ऑप्शनल क्वेश्चन है ठीक है और सारे ही टेंस से रिलेटेड ही हैं I dash working all afternoon and have just finished the assignment
हम हैव बी हैव बी ओके ये जो सिचुएशन है ये किस टेंस में है जो सेंटेंस बोला गया है वो किस टेंस में बोला परफेक्ट कंटीन्यूअस यस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट यानी कि आपने प्रेजेंट में कुछ टाइम पहले से काम करना स्टार्ट किया था एंड नाउ यू हैव कंप्लीटेड ठीक है इट इज कंटीन्यूअस प्लस परफेक्ट दैट मींस द जॉब इज फिनिश्ड तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट आपका है रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू मैम हैड वॉच्ड हैड वॉच्ड क्यों मैम देख चुका था तो हैव वॉच भी हो सकता है अच्छा व्हाट टेंस इज यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा है मैम टेंस मैम परफेक्ट अच्छा पास्ट लगा इतना पता है मैम पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट ठीक है एंड पास्ट टेंस में ये काम हो चुका है ऑलरेडी एंड देन यू आर टॉकिंग ठीक है सो दैट मींस दिस जो भी काम था वो परफेक्टली फिनिश हो गया है ठीक है एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगेगा ठीक है पास्ट परफेक्ट का क्या रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यस मैम हैड वॉच्ड हैड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्मेट तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थ्री ऑप्शन बी आप चूज कर रहे हो एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई अच्छा किस सिचुएशन में बोला जा रहा है व्हाट इज द टेंस ऑफ योर सेंटेंस सेंटेंस का क्या टेंस है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में मैम यस प्रेजेंट कमाल है इंग्लिश लैंग्वेज उसको Yes, so he is, he has been living. Has or has, किसी को doubt है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर he जो है वो third person है और singular subject है. तो singular subject के साथ आप has लगाते हैं और plural के साथ आप have लगाते हैं. So has been living is the option. Yes. The option is correct. Question number four. By the next month, we shall dash the project. By the next month, we shall dash the project. Ma'am, have completed. Okay, which format, which tense is it representing? Ma'am, have completed hoga, ma'am. Yes, have completed is the correct format. ठीक है have completed perfect. Which future? Perfect. Yes, future perfect is your tense of this sentence. यहाँ पर perfect है इसीलिए future perfect कैसे होगा क्योंकि बच्चे future में आप next month तक complete commitment कर रहे हैं ना आप commitment कर रहे हैं कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक आप ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो यू आर मेकिंग अ कमिटमेंट तो जब कमिटमेंट बता रहे हो कि ये कंप्लीट हो जाएगा जब कंप्लीट होने का टाइम बता रहे हो दैट मींस यू आर यूजिंग द परफेक्ट टेंस और फ्यूचर में बता रहे हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस
तो परफेक्ट आपका क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस हैव, सॉरी सब्जेक्ट प्लस विल। तो यहाँ शाल लगा है, क्यों शाल लगा है, विल की जगह शाल क्यों लगा है यहाँ पर, सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर का मैंने सब्जेक्ट विल वहां पे पढ़ाया था सर, तो यहाँ शाल क्यों लगा है बताया था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में। ये हो गया आपको फर्स्ट पर्सन में है। नहीं ऐसा नहीं, आपका शाल जब यूज होता है फ्यूचर टेंस में, कहीं भी अगर आपका शाल यूज हो रहा है दैट मीन्स यू आर टॉकिंग टू समवन विद अथॉरिटी, ठीक है, मतलब आप फॉर्मल बात कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मल में आप जैसे मतलब मान लीजिए कि आप किसी फैकल्टी से जब आप लेटर लिखते हैं शाल वगैरह लगाते हैं ना उसमें, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आप जब अथॉरिटी से बात कर रहे हैं किसी बहुत ही फॉर्मल तरीके से किससे बात कर रहे हैं तो आप शाल यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यानी कि ऑफिशियल काम की बात की जा रही है इसीलिए शाल लगा है। तो ऑफिशियल सब्जेक्ट में मैम सेल लगता है ना, व्हील होता है फ्रेंड, मतलब हाँ, अगर आपका इनफॉर्मल है या फिर मान लीजिए आप किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जिससे आप फ्रेंडली बात कर सकते हैं तो आप विल बात करेंगे उससे, विल लिख के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं स्पेशली इन रिटन कम्युनिकेशन, अगर आप स्पेशल कोई भी रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं कलीग्स के, चाहे वो कलीग्स के साथ हो चाहे वो सीनियर फैकल्टी सीनियर के साथ हो, किसी के भी साथ अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख के यानी कि रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां पर आप शाल भी लिखेंगे बिकॉज इट साउंड्स मोर फॉर्मल। और अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं या जो भी आपके पोजिशन से ऊपर हैं तो उनसे आप बात करते भी यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी आप शाल ही यूज करेंगे, इट साउंड्स मोर फॉर्मल। शाल लगा है दैट मीन्स यहाँ प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, मोर फॉर्मल देन विल। हाँ अगर आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यानी कि काम की बात की जा रही है ऑफिशियल बात है इसीलिए यहाँ पर विल की जगह शाल लगा है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शाल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था ये आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पर हैव प्लस हैव कंप्लीटेड इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे, इज प्रेजेंट बी, इज प्रेजेंट मैम, इज क्यों होगा मैम क्योंकि मैम सिंपल प्रेजेंट है। नहीं नहीं दैट इज ओके, ठीक है, वो तो आर आर प्रेजेंट में भी सिंपल ही लगेगा तो आर क्यों नहीं लगा, इज क्यों लगा, यहाँ पर आपका नाउन का रूल यूज हो रहा है दैट इज व्हाई मैं पूछ रही हूँ। कोई मैम प्लूरल फॉर्म नहीं है किसी चीज का, प्लूरल फॉर्म आपका इंडिविजुअली आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप जो कलेक्टिव नाउन है, हाँ कलेक्टिव नाउन है आपका, एवरी और ईच जब यूज होता है इसका मतलब आप कलेक्टिव पूरे ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, स्टूडेंट नंबर को भी एड्रेस कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो दैट इज व्हाई एवरी बॉय एंड गर्ल यानी कि जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको इंडिविजुअली ये लाइन बोला जा रहा है एक साथ, तो दैट इज व्हाई इज प्रेजेंट लगेगा, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है ही डैश डेली फॉर अ ईयर हैज बीन एक्सरसाइजिंग, व्हिच वन सी और डी, सी मैम, ओके सी क्यों होगा, पास्ट परफेक्ट है इसी, क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक साल तक यानी कि जिस साल में मान लीजिए एंडिंग हो रहा है तो एक साल तक वो क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, दिस इज द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। तो ही आपका सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैव नहीं, तो ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर बिकॉज दिस इज गोइंग ऑन, ये पूरा जो उनका पास्ट में पास्ट ईयर उन्होंने ये सारा काम उन्होंने करते रहे कंटिन्यूअसली करते रहे, तो जब कंटिन्यूअस है और पास्ट में है दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्लस आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, सॉरी
जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट. ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग फॉर डेली फॉर अ ईयर नाउ. अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपका, डैश आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग. आई डैश दिस बुक विच वन ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन बच्चे? मैम हैड बीन रीडिंग ए होगा शायद. ए और बी? ए. ए ओके आशीष, विच वन ए और बी? मैम ऑप्शन गलत है, यहाँ पे है जो है होना चाहिए मैम बी में. हैव होना चाहिए, आई के साथ हैव लगता है मैम. नहीं नहीं आई के साथ हैज लग सकता है, स्ट्रक्चर का भी लगता है. यस हैड भी लगता है. ओके तो मैम हैज बीन होगा. Has been लग सकता है, ठीक है. ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है. देर आर स्पेशल केसेस वेर आई के साथ आप हैव लगाते हैं, बट आई आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसके साथ रेगुलर केसेस में हैज ही लगेगा, ठीक है. तो has been, I had been reading. Had been reading. Has had B होगा. B option, yes, has been reading. क्योंकि since morning है. देखिए ये confusion दूसरे क्लास में हुई थी, इसलिए मैं आपके क्लास में भी clarify कर देती हूँ. जब यहाँ पर मॉर्निंग लिखा है, सिर्फ मॉर्निंग लिखा है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, यस्टरडेज मॉर्निंग, टुमारोज मॉर्निंग, तब आपका मॉर्निंग मतलब आज का ही दिन, ठीक है. मतलब आज सुबह के बारे में आप बात कर रहे हैं. तो सिंस मॉर्निंग मतलब आज का दिन हुआ, तो आज आपका प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रेजेंट नहीं होगा. हाँ हैड बीन नहीं होगा बच्चे, वही चीज मैं समझा रही हूँ कि जो आपका दिक्कत हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि मॉर्निंग जो यहाँ लिखा है, तो मॉर्निंग आपका आज का ही सुबह से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आज आपका प्रेजेंट में ही काउंट होगा ना, रिलेटिवली, ठीक है, रिलेटिवली पास्ट होगा. मैं शाम को आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ सुबह के बारे में, तो रिलेटिवली इट इज अ पास्ट टेंस, ठीक है. बट आप जब वो चीज बता रहे हैं किसी को, तो ये चीज तो प्रेजेंट में ही है, मतलब आज के ही बारे में बता रहे हैं, तो इट इज रिलेटिवली मतलब पास्ट से कल या परसों जो आपका बीता हुआ कल है, यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे, उनसे तो पहले ही है, तो ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है, बिकॉज आज ही की बात कर रहे हैं. तो आई हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है. दिस विल बी इन सिंपल, सॉरी सिंपल नहीं, दिस विल बी इन प्रेजेंट टेंस. विच प्रेजेंट टेंस? Which present tense? कौन सा present tense लगा है यहाँ पर? I has been reading. Perfect continuous. Yes, present perfect continuous लगेगा क्योंकि काम अभी तक करे जा रहे हो, ठीक है. Past से continue होकर present में अभी कर ही रहे हो, तो relative past जो है, यानी कि सुबह वाला जो time है, सुबह से शाम तक आप पढ़ ही रहे हो अभी, तो आपका continuous में भी रहेगा और परफेक्ट में रहेगा, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, आप एक टाइम से इसको करते आ रहे हो. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? बी ऑप्शन रिपीट कर देती हूँ. देखो यहाँ पर हैड बीन इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो सुबह के बारे में, यानी कि आज के सुबह, टूडेज मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो रिलेटिवली यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, उससे तो पहले है, ठीक है, जो बीत गया है दिन उनसे पहले है, यानी कि आज ही की बात है. कंपेरेटिवली इट इज इन द प्रेजेंट, ठीक है, और प्रेजेंट में है, तो ये काम मतलब सुबह से शुरू होके शाम तक आप कर ही रहे हैं, ठीक है. तो इन दैट केस अगर आप ये देखेंगे तो इसमें जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा ये सेंस. क्यों जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में? क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने शुरू किया और आप स्टिल अभी तक वो काम कर रहे हो, ठीक है. तो इन दैट केस वो शुरू पहले किया है लेकिन अभी तक प्रेजेंट तक, एक एक्चुअल प्रेजेंट जो है आपका, वहां तक काम चलते आ रहा है, इसीलिए प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म. तो हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आई हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. लेकिन आज सुबह से, अगर ये सिंस मॉर्निंग के बीच में सिंस दैट मॉर्निंग या फिर सिंस टुमारोज, सिंस टुडेज, यस्टरडेज, तो मतलब रिलेटिवली बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, उस केस में आप हैड बीन लगाते हैं,
उसके हैड बिन लगाते हैं, बट दिस मॉर्निंग यानी कि सिर्फ आज ही के मॉर्निंग की बात की जा रही है, तो इट इज रिलेटिवली टेंस ओनली. ठीक है, टुडेज मॉर्निंग की बात हो गई ना मैम. हाँ, आज की मॉर्निंग की बात हो रही है तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे. अगर आज से पहले वाले मॉर्निंग की बात की जा रही है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे. अगर आने वाले फ्यूचर की बात की जा रही है, आप रीड करते रहेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, जेनेरिक क्वेश्चन है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जनरल ट्रूथ और फैक्ट होता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट. दिस इज योर जनरल फैक्ट. ठीक है, जनरल फैक्ट और जनरल ट्रूथ, व्हाटएवर यू वांट. तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल फैक्ट एंड ट्रूथ. तो सन राइजेस, हाँ, सन राइजेस इन द ईस्ट. तो किस ये टेंस में रहेगा ये क्वेश्चन? सॉरी, डी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ समवन इज हैविंग डाउट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका सिंपल प्रेजेंट को भी कहते हैं. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट. हाँ, सिंपल प्रेजेंट को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं. ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है. अच्छा, मीटिंग इज अबाउट टू एंड. बिफोर इट दिस एंड्स आई वांट टू टेल यू व्हाट, कि आपका असाइनमेंट में अगर दिक्कत आ रही है, जो एडजेक्टिव के रूल्स मांगे थे वो मैं भेज दूंगी. ठीक है, देयर इज सम इशू रिगार्डिंग द यस, मैं एडजेक्टिव का नहीं बनाया अभी तक. जो फाइल है उसमें दिक्कत आ रही है शेयर करने में. ठीक है, दूसरे सिस्टम में कुछ इन दोनों क्वेश्चंस का 9 और 10 का स्क्रीनशॉट ले लो, आप सॉल्व करके लाना नेक्स्ट क्लास.